हे व्हाट्सअप गाइज, आई होप कि गाइज आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर से इस तरह का दोस्तों रियल सीबी एडिट लेके यहाँ दोस्तों इस तरह का देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह का फोटो एडिट अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो रियल फोटो है दोस्तों ये है, इसको मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप दोस्तों एडिट करके दोस्तों ऐसा करूँगा। दोस्तों इस तरह का फोटो एडिट सीखने के लिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा दोस्तों इस तरह से अपने जो हेयर दोस्तों इस तरह कलर कैसे कर सकते हैं, और इस तरह से ऑयल पेंट पूरा स्मूथ कैसे कर सकते हैं, और दोस्तों अपने आँख को इस तरह से आई लेंस के साथ लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों अपने फेस को इस तरह से वाइड और स्मूथ कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस फोटो को शेयर करके ले जाएंगे स्नैपचैट के अंदर। वहाँ पे दोस्तों जाने के बाद सबसे पहले आप जो भी जो आगे मैं वीडियो बताऊँगा दोस्तों आ चुके हैं अपने स्नैपचैट के अंदर। यहाँ पे आने दोस्तों आप कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर टूल्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पे टून इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने सिंपल टून इमेज पे क्लिक करना, उसका ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करना है दोस्तों, और कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है। इतना करने के बाद सिंपल सही पे टैप करना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, फिर से आपको टूल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिलेक्टिव पे क्लिक करके दोस्तों जहाँ दोस्तों ब्लैक करिए आपने फेस पे वाइट को, इस तरह दोस्तों वाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। दोस्तों मैं फोटो बिफोर था दोस्तों, ये आफ्टर हो गया। अब सिंपली क्या करना दोस्तों, फिर से टूल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर से डिटेल पे क्लिक करना है। उसके बाद इसे एक्सट्रेज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, लगभग प्लस 10 के आसपास रखना है दोस्तों, और जो इसका शार्पिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो इसे दोस्तों अपने फोटो के हिसाब से इंक्रीज कर लेना है, और दोस्तों हिसाब से सही पे कर देना है। तो देख सकते हो मेरा फोटो बिफोर था दोस्तों, ये तो अपडेट हो गया। अब सिंपल फोटो को शेयर करके ले जाएंगे लाइट रूम के अंदर। वहाँ पे दोस्तों अपने स्किन को रिटच करेंगे, वाइट करेंगे, और दोस्तों जो भी कुछ आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में पूरा ध्यान बने रहे दोस्तों, तभी समझ में आएगी। अगर वीडियो में पूरा भाग गए तो दोस्तों समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे आने का दोस्तों कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा लाइट वेट एडजस्ट करना है। लाइट वेट एडजस्ट करने है दोस्तों, आपको लाइट पे क्लिक करना है। इसका जो दोस्तों एक्सपोजर है दोस्तों थोड़ा सा इंक्रीज करना है, प्लस 20 या 24 के आसपास रखना है। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है, प्लस 6 या 7 के आसपास रखना है, और दोस्तों हाईलाइट को पूरा माइनस में रखना है, और दोस्तों शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। इतना करने के बाद दोस्तों आप कुछ नहीं करना है, फिर से कलर पे क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, टेम्परेचर को दोस्तों थोड़ा सा माइनस में रखेंगे, माइनस 8 या 9 के आसपास रखेंगे दोस्तों, और टिंट को भी थोड़ा सा माइनस में रखेंगे दोस्तों, माइनस 7 या 4 के आसपास रख देना है। इतना करने के बाद दोस्तों मेरा फोटो दोस्तों बिफोर था दोस्तों, आफ्टर हो गया। आपको जो फिर से आपको मिक्स पे क्लिक करना है दोस्तों, आपको मिक्स पे क्लिक करने के बाद इसका झूल को थोड़ा सा माइनस में रखेंगे, और इसका सेचुरेशन को इंक्रीज करना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, सेकेंड कलर पर आएंगे, और इसका सेचुरेशन को थोड़ा सा माइनस में रखना है दोस्तों, और इसका एलिमिनेंस को अपने फोटो के हिसाब से इस तरह से दोस्तों जितना भी वाइट रखने के लिए चाह रहे हैं इस तरह दोस्तों वाइट कर लेना है। तो सिंपल दोस्तों मैं इस तरह से इतना रखने के लिए चाह रहा हूँ, तो इस तरह से रख लेना है। तो इतना मैं रखने ले जा रहा हूँ। इतना करने के बाद आपको इस वाले थर्ड नंबर वाले कलर पे आना है। इसका सेचुरेशन को फुल माइनस में रखना है दोस्तों, और इसका भी सेचुरेशन को फुल माइनस में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इसका सेचुरेशन को इंक्रीज करना है। उसके बाद दोस्तों इसका भी सेचुरेशन को इंक्रीज करना है। अब जैसा जैसा हमें किया दोस्तों इसी तरह से आपने फोटो पे कर लेना है। तो देख सकते हैं मेरा फोटो बिफोर था दोस्तों, ये आफ्टर हो गया है। अब सिंपली क्या करना है दोस्तों, आपको ग्रेडिंग पे क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों फर्स्ट वाले कलर पर टैप करके दोस्तों इसका बैलेंस आप थोड़ा सा क्या करना है, माइनस में रखना है दोस्तों, माइनस 6-3 के आसपास रखना है। इतना करने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसका ब्लेंडिंग को भी दोस्तों माइनस रखना है, माइनस 0 के आसपास रखना है दोस्तों, माइनस 0 के आसपास रखना है दोस्तों। बैलेंस को क्या करना है, आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो इस तरह से दोस्तों बैलेंस को इंक्रीज करने के बाद दोस्तों 34 के आसपास रखना है, और उसके बाद दोस्तों फिर डन कर देना है। तो देख सकते हो दोस्तों मेरा बिफोर दोस्तों बिफोर था दोस्तों, ये आफ्टर हो गया है। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इधर उधर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे ऑप्टिक्स पे क्लिक करना है। बस इसको क्या करना है दोस्तों, ये दोनों सेटिंग को ऑन कर देना है। तो सिंपल ट्रिक है दोस्तों, इस तरह से करने के बाद अब क्या करना है, अब इस फोटो को शेयर करके जाएंगे ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। वहाँ पे दोस्तों अपने फोटो फेस को स्मूथ करेंगे, और दोस्तों यहाँ पे आँख पे आई लाइन से कैसे लगाएंगे वो आगे में वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो सिंपल दोस्तों इस वाले ऑप्शन टैप करके दोस्तों अपने शेयर टू ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर लेके जाएंगे। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। यहाँ पे आने बाद दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले अपने फोटो को स्मूथ करना है। इस दोस्तों जैसा मैं स्मूथ करने के लिए सिखाऊंगा दोस्तों, इसी तरह से अप्लाई करना है, नहीं तो दोस्तों अपने फेस अपने जो फोटो है दोस्तों फेस पे दोस्तों इधर उधर का ब्रश का निशान आ जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जो भी ब्रश मैं रखूँगा वो आपको वही ब्रश रखना है। वो ब्रश रखने तो आपको ब्रश पर टैप करना है दोस्तों, ब्रश पर टैप करने के बाद सबसे नीचे आना है। आपको यहाँ पे आने के बाद सब थोड़ा सा ऊपर में है आपको दोस्तों, इसमें में दोस्तों आपको क्या करना है, ई वाला ब्रश लेना है। आप चाहें तो दोस्तों इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। उसके बाद तो क्या करना है दोस्तों, सेटिंग पे जाएंगे, जो जैसा भी सेटिंग में रखूंगा दोस्तों इस तरह से अपने फोटो के हिसाब से रखना है। फॉलो और स्टैंड को दोस्तों 4:4 कैसे रखना है, और साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अपने फोटो पर दोस्तों इस तरह से स्मूथ करके दोस्तों इस तरह से स्मूथ करना है। पहले क्या करना है दोस्तों, आपको खड़े लाइन पर दोस्तों इस तरह से करना है। उसके बाद दोस्तों अपने फोटो को दोस्तों इस तरह से सुता के दोस्तों स्मूथ करना है। तो इस तरह से ऐसा करने का दोस्तों अपने जो ब्रश का निशान दोस्तों अपने फेस पे नहीं आएगी।
तो आप लोग इस तरह से दोस्तों अपने फोटो को दोस्तों पूरा रियल सीवी स्मूथ कर लेना। देख सकते हो मेरा फोटो किस तरह से पूरा स्मूथ हुआ है दोस्तों, ना ही कहीं बरस का निशान है दोस्तों, फुल एचडी में स्मूथ हुआ है। अब क्या करना है दोस्तों, सिंपली अब इस फोटो को शेयर करके जाएंगे पिक्सआर्ट के अंदर। वहाँ पे दोस्तों अपने आँख पे दोस्तों आई लेंस लगाएंगे और अपने हेयर पे दोस्तों ऑयल पेंट कैसे लगाएंगे वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस पर आपसे टैप करना है दोस्तों, उसके बाद शेयर पर टैप करके दोस्तों अदर पर टैप करना है। अदर पर टैप करके दोस्तों सिंपली अपने पिक्सआर्ट के अंदर लेके जाएंगे। दोस्तों आ चुके हैं अपने पिक्सआर्ट के अंदर। यहाँ पे आने दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको इधर आना है थोड़ा सा। इधर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर रेटच पे क्लिक करना है। रेटच पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इधर आना है आपको। सिंपल दोस्तों आप इस पहले आई कलर पे टैप करना है। आई कलर पे टैप करके दोस्तों यहाँ पर दो बूंदा आएगा, थोड़ा सा अपने फोटो को जूम करना है, उसके बाद बूंदा पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों इस तरह से दोस्तों ट्राई करके दोस्तों अपने थोड़ा सा जूम करके अपने फोटो पे दोस्तों इस तरह से फिट कर लेना है। इस तरह से दोस्तों फिट करने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। इसको भी दोस्तों अपने फोटो पे दोस्तों इस तरह से फिट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अपने फेस पे और एक बार टैप करना है। इतना करने के बाद सेम वैसा ही पे टैप कर देना है। यहाँ पे आने के बाद आप जैसा भी कलर रखने ले चाह रहे हैं दोस्तों अपने फोटो के हिसाब से, यहाँ पे जैसे ये कलर रखने ले चाह रहे हैं तो उसका सिचुएशन को अपने फोटो के हिसाब से रख लेना है। जो भी कलर रखने ले चाह रहे हैं दोस्तों इस तरह से रखने ले चाह रहे हैं। तो सिंपली दोस्तों मैं ये वाला कलर रखने ले चाह रहा हूँ, इसका सिचुएशन अपने फोटो के हिसाब से दोस्तों रख लेना है। तो दोस्तों मैं 51 के आसपास ले रहा हूँ, तो देख सकते मेरा फोटो दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है दोस्तों, सही पे टैप कर देना है। जैसे मेरा फोटो बिफोर था दोस्तों, ये आफ्टर हो गया है। अब सिंपली क्या करना है, वैसे सही पे टैप कर देना है। अब दोस्तों मेरा जो फोटो पे आई लेंस हो तो लग ही गया है। अब सिंपली क्या करना है, इस फोटो को शेयर करके अपने सबसे पहले अपने गैलरी पे सेव करना है। तो दोस्तों मेरा जो फोटो आ चुकी है गैलरी के अंदर, यहाँ पे आने के बाद सिंपली इस फोटो को शेयर करके लग जाएंगे टूल व्यूज के अंदर। यहाँ पे दोस्तों अपने फोटो पे ऑयल पेंट चलाएंगे, यू आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो सिंपली आपको सर्च करके दोस्तों अपने गैलरी में से दोस्तों अपने प्ले स्टोर पर सर्च करके दोस्तों इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आ चुके हैं अपने टूल व्यूज के अंदर। यहाँ पे आने के दोस्तों ऑयल पेंट लगाना है, आपको कुछ नहीं कर, सबसे आपको इधर आना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना है। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कहना है सॉफ्ट स्पंज में दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन टैप क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका कहना है अपना जितना भी रखने ले जा रहे हैं दोस्तों इस तरह से ऑयल पेंट रख लेना है। 5 नंबर रखने ले जा रहे हैं, 6 नंबर रखने ले जा रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको सजेशन करूंगा दोस्तों कि 4 नंबर वाले ऑप्शन पर इस तरह से दोस्तों रख लेना है। तो इस तरह रखने के बाद दोस्तों मेरा फोटो दोस्तों ऑयल पेंट इस तरह से दोस्तों रख लिया है। देख सकते कितना रियल मस्त ऑयल पेंट लगी है अपने हेयर पे, इससे दोस्तों कितना मस्त लग रही है। बिफोर था दोस्तों, ये आफ्टर हो गई है। तो इस तरह से दोस्तों अपने फोटो पे ऑयल पेंट लगा सकते हैं। तो आई होप कि गाइस वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।